Jai Sri Ram, good morning to all. Today we celebrated Diwali celebration at our school. So I just want to say some words regarding Diwali celebration. Importance of Diwali, the festival spiritually significance, the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, good over evil, and hope over despair. Today, children did prayer and portray the drama of Ramayana. Today's celebration was fulfilled and knowledgeable for the kids. Both teachers and students enjoyed the Diwali celebrations wholeheartedly. Thank you. Happy Diwali. Safe Diwali. Diwali, खुशी और समृद्धि का त्योहार है। ये त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। ये कहानी श्री राम और रावण से जुड़ी है, इसलिए इस त्योहार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत साल पहले दशरथ नाम के एक सच्चे राजा थे, जो अपनी तीन पत्नियों और चार बेटों के साथ अयोध्या नाम की नगरी में राज करते थे। पर राजा दशरथ की एक पत्नी राम से बहुत जलती थी। उन्होंने राम को 14 साल के लिए वनवास यानी कि जंगल में उनको भेज देने की मांग की, ताकि उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ सके। राजा अपनी बात के पक्के होने के कारण राम को वनवास पे भेज देते हैं। राम अपनी प्यारी पत्नी सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। कुछ साल वनवास में रहने के बाद एक दिन सूर्पनखा नाम की एक राक्षसी राम को देख के शादी की इच्छा बताती है, पर राम उनसे शादी के लिए मना कर देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी सूर्पनखा से शादी के लिए मना कर देते हैं। सूर्पनखा गुस्से में आकर अपना असली रूप लक्ष्मण से दिखाती है, जिसके बाद लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। राक्षसी रोते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है, जो कोई और नहीं पर लंका का असुर राजा था। रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेते हैं। रावण दूसरे असुरों की मदद लेते हैं, जो एक ओर सुनहरे हिरण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाते हैं, तो दूसरी ओर रावण कुटिया से सीता का अपहरण कर देते हैं। राम और लक्ष्मण वापस आकर सीता को लापता पाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जब वो यहाँ नहीं थे तब कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, तो फौरन वो दोनों सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको वानरों और भालुओं की सेना मिलती है, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उनमें से एक वानर का नाम था हनुमान, जिसने राम की हमेशा सेवा करने का प्रण लिया था। अब हनुमान कोई साधारण वानर तो थे नहीं, वो पहाड़ों से ऊंचा उड़ सकते थे और उसमें अलौकिक शक्तियां भी थी। वो एक ही छलांग में पूरा समंदर पार कर सकते थे, इसलिए वो राम के सबसे प्यारे मित्र बन जाते हैं। वो हनुमान ही थे जो रावण की लंका के एक सुंदर बागीचे में सीता को बंधा पाते हैं। हनुमान सीता से वादा करते हैं कि राम उनको छुड़ाने के लिए जल्द ही आएंगे। वो फिर राम के पास सीता का पता लेकर आते हैं, जिसके बाद राम अपनी वानर और भालुओं की सेना को लेकर लंका के लिए रवाना हो जाते हैं। जल्दी ही दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। राम की सेना असुरों की सेनाओं को मार देती है, सिवाय रावण के। इसलिए अब ये जंग सिर्फ राम और रावण के बीच में रह जाती है। राम रावण को अपनी गलती सुधारने का और सीता को लौटाने का एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन रावण तो राम पर हथियारों की बारिश कर देते हैं। राम भी लगातार रावण पर प्रहार करते रहते हैं, पर फिर भी वो रावण को हरा नहीं पाते। आखिर में रावण के भाई विभीषण राम को बताते हैं कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नाभि में है, जिसके बाद भगवानों का दिया हुआ तीर राम रावण की नाभि में मारते हैं, जिससे रावण की मृत्यु वहीं हो जाती है। आखिर में राम और उनकी प्यारी पत्नी सीता फिर से एक हो जाते हैं।
14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अपने घर और अपने राज्य लौट आते हैं। इसलिए हर साल हम रास्तों, घरों और दफ्तरों को दीयों से सजाकर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता राम।